हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक। और हम जा रहे हैं अब नमाज पढ़ने, क्योंकि लेट हो गए। तो चलो चलते हैं इससे पहले कि नमाज छूट जाए। इस बच्चे को जबरदस्ती हमने जगाया है कि चलो नमाज पढ़ने तो जाना पड़ेगा। बेचारा मजबूरी में हंस रहा है। और ये मेरा भाई है छोटा करीम, इसका नाम करीम है और आप लोग मुझे तो जानते ही है। आज का मौसम वाकई बहुत सुहाना है, क्योंकि धूप नहीं निकली है और हल्की सी नमी है, तो काफी मजा आ रहा है। नहीं तो धूप में हम लोग जलते, तो चलो अच्छी बात है ना। यहाँ पे गाड़ी लग चलिए। इनाया आपने देखा कि दोस्तों, ये जो मस्जिद आप सामने देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है ताजुल मसाजिद। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मस्जिद है वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। और भोपाल की शान है, जब भी भोपाल का जिक्र होता है तो ये मस्जिद जरूर दिखाई जाती है। इतना बड़ा लोगों को जुलम ज्यादती हो रहा है, गैर उलमा है, कोई परेशान होने की और घबराने की बदहाल लोग हमारी जमीने हो जाए, हमारा तवल्लु तसर्रुफ कर रहे हैं लोग, एक से पर अगर किया आदर किया भाव किया तो उसमें एक सफे का तर्जुमा जरूर करना चाहिए। पुराने पाक की अभी इतनी आसान है कि आज अभी ने फारसी में तर्जुमा किया, तो पुराने पाक को समझ के पढ़ना भी अहम बात है कि आज का धर्म وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله الهادي واصحابه ففي حياه كل امه ما من وضع الى وضع عمودا من اعمدته صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال التائب حبيب الرحمن وقال توبوا الى الله واستغفروا فلله الحمد. सब देख लेंगे वीडियो पे है। मुन्नू قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد عبادتي اللهم يا رب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انك انت العليم الحكيم ربي يا الله हमें तमाम गुनाहों से बचा लीजिए, तमाम खताओं से बचा लीजिए, या खुदाए पाक सब पर जारी फरमाए। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिस सफीन हजरत। ये भी हो गया। अब करीम का होगा फोटो सेशन। जा रहे राजी घर? अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी कर दे। अल्लाह आप अल्लाह।
एक महीना कैसे बीत गया दोस्तों, पता ही नहीं चला। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज ईद है, और थोड़ा सा दुख भी है कि आज से रमजान खत्म हो गया। जो हम अफ्तार करते थे, सहरी में उठते थे, आज से वो सब बंद होने वाला है। तो रजी, नमाज पढ़ लिया? अब थोड़ी सी मिठाई ले ली जाए, क्योंकि ईद है और ईद पे मीठा खाना तो बनता ही है। चलो चलते। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। अच्छा, मैं अपना घर दिखाता हूँ। ये है हमारा घर। ये करीम, ये मेरे घर का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। और अब हम अपने घर में एंटर करते हैं। यस, ईद मुबारक हो अम्मी। तो ये है हमारा छोटा सा घर, और आगे से दिखाता हूँ अच्छे से। रजी की पहली नमाज। पीली मिठाई खाएगा? एक मेरे को भी दे, ये खाता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, मैं गुस्सा हूँ आपसे। अबे दांत तोड़ दूंगा बेचारे। आ जा यार, आ जा ऐसे ही आ जा। हाँ बस बस। मुबारक हो आप सबको, मेरी तरफ से भी मुबारक हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।